कोड अस्पताल में घायलों को जूते से पीटने का मामला हेल्थ स्टाफ ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। भीम आर्मी ने डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग की। शिवपुरी की खोल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर पर दो घायलों के साथ जूतों से मारपीट करने के आरोप में पुलिस डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है। इसी के विरोध में आज खोल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ सहित ब्राह्मण समाज ने एसपी जांच कर एफआईआर को शून्य करने की मांग की है। साथ ही खोल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्सों ने तीन युवकों पर छेड़खानी सहित मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बता दें कि इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी पीड़ित युवकों के साथ नारेबाजी करते हुए एसपी ऑफिस पहुंचे, जिनके द्वारा डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग की गई। क्या नाम है आपका? सविता दुविष्टा, अपने एसपीएससी कोड। अच्छा, आज एसपी सर के पास आई थी, किस संबंध में आए थे आप? सब एकत्रित हो गए आए हो? हमारे हॉस्पिटल में जो अपरद व्यवहार हुआ है स्टाफ के साथ, उस संबंध में बोलने के लिए आए थे सर से, और जो एफआरआई है करवाना है। किस प्रकार का व्यवहार? अपरद व्यवहार, जो पेशेंट आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट करने के बाद भी अगर आदमी संतुष्ट नहीं होता तो अशब्द बोलते हैं, बदतमीजी करते हैं, और का नाम स्टाफ के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, डॉक्टर के लिए, हम सब के लिए पी करके भी आते हैं, आए दिन ऐसा चलता रहता है। अच्छा, अभी तक कोई मामला सामने आया था? आज कई बार ऐसा हुआ है, वहाँ हम लोग इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, कई बार पुलिस भी आई है रोकने के लिए। एफआईआर वगैरह हुई थी, वो किस संबंध में हुई थी? इसी संबंध में लई नहीं है मेरी, उनने लई नहीं, उस दिन नहीं ली। 31 तारीख को जब हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, पुलिस आई ही नहीं है। हाँ, अभी एक मामला सामने आया था, वो पीटने वाला, उसी संबंध में वो सब एडिटिंग करके किया गया है। एक बात क्या है कि दीदी की ड्यूटी थी, और उस टाइम पे मतलब एक ही लोग की ड्यूटी रहती है सिर्फ नाइट में क्या, तीन स्टाफ है और थोड़ा आउट क्षेत्र में हॉस्पिटल है, तो 12-12 दिन में 6-6 घंटे, नाइट में 12 घंटे की ड्यूटी रहती है। वीडियो कैसी थी? वीडियो तो सब फेक वीडियो है वो है, लेकिन बदतमीजी तो की है उनने, दीदी के साथ छेड़खानी भी की है, और प्रसूति बेड में सोने के लिए बोल रहे थे, वहाँ लेटने के लिए मना कर दिया कि वहाँ मतलब डिलीवरी वगैरह आपने डिलीवरी वहाँ लिखवा दे, इनकी डिलीवरी भी थी उस और भी तीन चार डिलीवरी और भी थी, तीन डिलीवरी, तो बोल रहे थे नहीं हम तो इसी बेड में सोएंगे, बस उस बेड में सोने के लिए मना कर दिया, तो बस मारा पीटी करने लगे। किसके साथ मारपीट? मतलब जो सविता दुबे मतलब स्टाफ नर्स है, सफाई कर्मी और हाँ मारपीट भी की है उन लोगों ने, भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह फेंक दिए, रजे रिकॉर्ड भी फाड़ दिया हम लोगों के, रजे वगैरह फाड़ दिए, हाँ इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी फेंक दिए हैं, सर के ऊपर भी हमला करने के लिए। फिर उसके बाद दो दिन नाइट में 1 तारीख को 2 तारीख को फिर आए हम लोगों को धमकाने के लिए, जहाँ आप लोग बाहर रह रहे हैं, अभी भी हम लोगों को धमकी दे देंगे जा रहे हैं। हाँ सर के ऊपर एफआईआर की थी, सर के ऊपर एफआईआर की, हम लोग भी एफआईआर चाहते हैं और हमें न्याय मिले, हम ऐसे अकेले ड्यूटी करते हैं नाइट में, अकेला स्टाफ, इतना स्टाफ भी नहीं है, आज तो वो मान लो छेड़खानी करके मारा पीटी करके चले, और बड़ी घटना हो जाएगी तो हम लोग तो ड्यूटी ही नहीं कर पाएंगे। नाम क्या है आपका? महेश भार्गव, भार्गव ब्राह्मण समाज का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। महेश जी ये बताइए, आज क्या मामले के लिए आप आए हो यहाँ पे? हमारे खोड़ में डॉक्टर अनुराग तिवारी जी हैं, उन पर कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने झूठा प्रकरण बनवाया है, शायद वो SC ST एक्ट के तहत बनवाया है, मारपीट का बनवाया है, झूठा वीडियो एडिट करके बनवाया है, हम उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच करने और उन पर लगे हुए झूठे केस में FIR लगाने, केस खात्मा लगाने के लिए ज्ञापन देने यहाँ जिला शिवपुरी के भार्गव ब्राह्मण समाज सहित अन्य समाज के सभी लोग श्रीमान पुलिस सुपरिंटेंडेंट को ज्ञापन देने हेतु उपस्थित हुए हैं। वीडियो सामने आई थी, उसमें तो डॉक्टर उसे पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति चार व्यक्तियों को नहीं पीट सकता, वो सिंगल व्यक्ति को पीट रहा है उस वीडियो में, आप देखिए शकल नहीं दिख रही है, शकल उसमें हो सकता है कि वो एडिट किया, अरे हो सकता है वो एडिट किया हो, कोई और पीट रहा हो और डॉक्टर का चेहरा लगा दिया हो सकता है, बाकी डॉक्टर ऐसा है ही नहीं, डॉक्टर तो पूरी तरह अपनी सेवाएं देता है, कोविड के समय भी उन्होंने सेवाएं दी हैं, समर्पित व्यक्ति है ये। मुझे लगता है कि इन लोगों का ब्राह्मण के खिलाफ एक साजिश है, जो हम लोगों को हमारा पतन करना चाहते हैं। और क्या घटना हुई थी उस टाइम डॉक्टर के साथ? डॉक्टर के साथ में कोई घटना नहीं हुई, डॉक्टर को मारा पीटा, डॉक्टर ने उनका उपचार किया था, वो एक्सीडेंट होने के बाद आए थे मरीज, एक्सीडेंट होने से वो उन्होंने डॉक्टर ने पट्टी की है, उपचार किया है, और उनसे जब ये पट्टी करने के बाद कहा कि घर जाइए, तो वो डिलीवरी रूम में
अंदर जाके घुस के अनावश्यक रूप से झगड़ा करने लगे, नर्स को भी प्रताड़ित किया है और नर्स के साथ अभद्रता की है। हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं और अपराधियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराना चाहते हैं, और हमारे डॉक्टर के खिलाफ और नर्स के खिलाफ यदि व्यूह रचना रच के झूठा प्रकरण दर्ज कराया उसमें एफआईआर लगवाना चाहते हैं।